यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और सीधा लिए चलते हैं जज्जा, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। हमारे जो डिविजनल कमिश्नर श्री अशोक यादव जी, हमारे आईजी साहब नवदीप विर्क जी, और आपकी जानकारी के लिए आप आज नवदीप विर्क जी ने योग के साथ साथ जो बड़ा काम किया, रोहतक से लेकर झज्जर तक साइकिल पर चल के आए अभी सुबह। योग के कई स्वरूप है, उसमें ये भी है। हमारे जिले की उपायुक्त मैडम, हमारे पुलिस अधीक्षक, योग विभाग से जुड़े हुए सभी हमारे साधक, योग साधक विभाग के अधिकारीगण, वह हजारों की संख्या में उपस्थित आज इस जज्जर के स्टेडियम में इतनी बड़ी संख्या में जो योग साधक और योग बंधु आए हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल जज्जर में ही नहीं, देश और दुनिया में भी बड़े उत्साह से, मैं समझता हूं किसी एक कार्यक्रम को करने वाला, योग की साधना करने वाला अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो निश्चित रूप से योग करने वालों का एक ही समय में, एक ही दिन में करने वाला यह कार्यक्रम होगा। अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस, इसका इतिहास अपने को पता है। ये श्रेय जाता है हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 170 देशों को, 177 कंट्रीज, इन लोगों को सबको इस बात के लिए राजी किया कि हम यूएनओ में प्रस्ताव पारित करके और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएं, जो सहमत हुए और यूएनओ में यह प्रस्ताव पारित हुआ। आखिर हमारी भारतीय संस्कृति, इसका भी कोई ना कोई ऐसा पहलू जो विश्वव्यापी प्रसिद्ध हुआ, उसमें से योग एक है। कहते हैं कि कोई समाज उतना ही गौरवशाली होता है जितनी उसकी जो सांस्कृतिक इतिहास की बातें हैं उनको प्रतिष्ठित करवाया जाता है। उस नाते से मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं और सारे देश की जनता की ओर से उनको बधाई भी देते हैं कि उन्होंने अपने इस सोच के आधार के ऊपर एक बहुत बड़ा काम देश के लिए किया है। आने वाली जनरेशन इसको याद रखेगी। हम भी आज योगाभ्यास करने के लिए आए हैं। संक्षेप में मेरा इतना ही कहना है कि ये योगाभ्यास केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दिन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि ये योग ये अपने लिए, व्यक्ति जो करता है उसके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। इसमें जैसा बताया, हमारा आत्मिक विकास होता है, हमारा शारीरिक विकास होता है, हमारा मन और बुद्धि का भी विकास होता है। तो किसी एक कार्यक्रम के माध्यम से किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, इससे बड़ा लाभदायक और कोई विषय नहीं हो सकता। मैं प्रतिदिन अभ्यास करता हूं, सायकाल के समय लगभग प्रतिदिन कोई ना कोई मुझे पूछ लेता है कि आप सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर और रात के 12 बजे तक काम करते हैं, लेकिन रात के 9 बजे 10 बजे भी आपकी चेहरे को देख करके ऐसा लगता है कि एनर्जी उतनी है जितनी सुबह थी, इसका राज क्या है? मैं बहुत हल्के से टालता हूं, लेकिन आज आपके सामने बता रहा हूं, ये जो प्रतिदिन का योग अभ्यास है ये उसका एकमात्र कारण है कि दिन भर ताजगी बनी रहती है। तो भाई बहनों, व्यक्तिगत लाभ सोचिए, देश और समाज का लाभ सोचिए, अपने देश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति सोचिए, योग आवश्यक अंग बनाकर रखिए, बहुत लाभ होगा। हमारे इतिहास में भी जो आज बातें कही जाती हैं वो हमारे ऋषि मुनियों ने भी लिखी हैं। हमने एक फिल्म का डायलॉग सुना होगा, 3 इडियट फिल्म थी। उस 3 इडियट फिल्म में एक बड़ा सुंदर डायलॉग था
कि इंसान एक्सलेंस के पीछे भागना चाहिए, सक्सेस अपने आप पीछे भागेगी। एक्सलेंस के पीछे भागना यानी एक्सलेंस क्या है? योग। ये योग एक्सलेंस है। यदि आप इसके पीछे भागेंगे तो सफलता अपने आप आपके पीछे भागेगी, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए वाक्य जो हमारे धनखड़ जी ने प्रयोग किया, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग जो है वही कुशलता का नाम है और इसका एक्सलेंस का नाम है। हम इसमें जितनी एक्सलेंस प्राप्त करेंगे उतनी सफलता अपने को जीवन में मिलेगी। हमारा मन इसमें एकदम, यानी जिसको कहने सद्धता है, हमारा जो ध्यान केंद्रित एक स्थान पर रहता है, जिसको कहना चाहिए बी फोकस्ड। और इसके लिए भी योग की ऐसी दुष्वृत्ति, योग के माध्यम से मन की दुष्वृत्तियां, उनके ऊपर रोक लगती है। योग करने से हमारा मन एक दिशा, ठीक दिशा में आगे बढ़ता है। इसके लिए कहा योग चित्तः वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। तो योग के ऐसे लाभ जब हम ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से इस योग को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे मन मस्तिष्क को कैसे ठीक रखा जाए, योग के अलावा भी बहुत कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं। हमने कार्यक्रम राहगिरी शुरू किया है। इस राहगिरी के माध्यम से कहीं कहीं साप्ताहिक, कहीं कहीं पाक्षिक, जिला केंद्रों पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और मुझे पता लगा कि झज्जर का जो राहगिरी का कार्यक्रम अभूतपूर्व हुआ। तो ऐसे कार्यक्रमों में हम सप्ताह भर की जो अपनी थकावट है, अपना तनाव है, उसको दूर करके तरोताजा होकर अगले सप्ताह के लिए अपने काम के लिए पुनः उसी भाव से, उसी वेग से, उसी तेज से हम तैयार होते हैं। हमारा मन खुश रहता है। खुश रहना भी अपने आप में हमारे जीवन की कला है। अगर हम खुश रहना सीख गए तो छोटी मोटी कठिनाइयां, छोटी मोटी असुविधाएं उसको पार कर गए तो हमारा जीवन आनंदमय बनेगा। एक देश है भूटान। भूटान के अंदर कहते हैं कि एक मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का मंत्रालय, कि लोगों को खुश रखे से रखा जाए। वहां का इंडेक्स हैप्पीनेस इंडेक्स, इसको नापा जाता है। तो इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए खुश रहना, और खास करके रविवार के दिन, तो जिसको कहा कि संडे इज फन डे, फन का मतलब FUN, अगर तीनों हिस्सों को हम इसको कहें कि फन FUN, F मतलब फॉरगिव अदर्स, कोई गलती कर दे तो उसके ऊपर क्रोध नहीं करना, उसको भूल जाना, क्षमा कर देना। इसी प्रकार यू अनट्राई योर सेल्फ, अपने अंदर झांको, अपनी शक्ति पहचानो। तो इसलिए यू माने अनटाई योर सेल्फ, एन मतलब नो नेगेटिविज्म, कोई नकारात्मक सोच नहीं, हमेशा सकारात्मक बनके सोचना, उसी में से अपना जीवन बहुत सफलता प्राप्त करेगा। इन बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, अंत में मैं उन दो जो छात्र और छात्रा हमारे दो बालकों ने, बालिकाओं ने योग की जो साधना करके जिस प्रकार का इन्होंने प्रदर्शन किया, मैं उन दोनों की बहुत सराहना करता हूं। उसमें से राहुल है, ये ब्रिगेडियर रणसिंह पब्लिक स्कूल।